महिला विंग की। और आज जो यहाँ धम्म दीक्षा का कार्यक्रम भीमसेना संगठन की ओर से आयोजित किया गया है, और यहाँ पे NCR और आसपास के दिल्ली के सभी संगठन के और जितनी भी यहाँ पे बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं और बुद्धिस्ट है वो सभी यहाँ पे आए हैं, और एक बार और यहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का मौका मिला है। मैडम, ये बौद्ध धर्म में है, ऐसी क्या चीज़ है इसे हमें ग्रहण करें और इससे लोगों का सुधार हो, उद्धार हो, शिक्षा आगे बढ़े? देखिए, बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है सभी मनुष्य एक समान है, ये जो मूल मंत्र है। मूल मंत्र ही नहीं, ये नैतिक मूल्य भी है जी, जो हमारे हमें एक साथ बांधे रखता है, अखंड भारत को हमें प्रस्तुत करने का मौका देता है। और ये विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय, ये चारों मूल्य तथागत बुद्ध के धम्म में है, और यही बाबा साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हैं, क्योंकि ये अति आवश्यक है भारत के उन्नति के लिए, भारत में भारत की एकता के लिए और विकास के लिए। मुंजी कहा जाता है कि जिस समाज की, जिस जाति की महिलाएं अगर अपने आप में एक बार सोच लें तो वो धर्म या मजहब या वो कहीं दूर नहीं है, क्योंकि इस समाज की, बहुजन समाज की महिलाएं वो अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। जी बिल्कुल, इस देश में सदियों से पुरुषवाद रहा है, यहाँ के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी पुरुषों के बनाए हुए हैं, और जाहिर सी बात है महिलाओं को मौका नहीं मिला, शिक्षा का मौका नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है कि वो गुलामी में जी है, दासी के तौर पे उसको रखा गया है। तो क्रांति कैसे हो, क्रांति हुई है वो जब तथागत बुद्ध ने महिलाओं को अपने धम्म में दीक्षा दी, और उसके बाद उसको शिक्षा का मौका मिला, तब वो अपने आप में उसने जाना कि मैं भी एक, मेरा भी अस्तित्व है स्त्री होने के नाते, और मैं ही उत्पत्ति मूलक हूँ, तो मुझे भी वो सभी अधिकार मिलने चाहिए, समानता का अधिकार हो या हर चीज़ का अधिकार हो देश में, चाहे वो पद पर, चाहे नीचे स्तर किसान के तौर पर वो काम करे, चाहे राष्ट्रपति पद पर काम करे। तो वो इस हौसले के साथ आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है अभी हमारा समाज, महिलाएँ हम अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मैंने देखा है कि बहुत ही कम महिलाएं प्रस्तुत हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें महिलाओं पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और ये काम तभी हो सकता है जब वो अपना समय परिवार से निकलकर अपने सामाजिक जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों को जानेगी, अपने अस्तित्व को आगे लाने की कोशिश करेगी, तभी ये संभव हो सकता है।